स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो। दिख रही मेरी दो चुटिया? हाय माय लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग वेल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही क्यूट एंड एस्थेटिक पिंट्रस्टी अमेजोन फाइंड्स। सो ये सारे प्रोडक्ट्स यूजफुल तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम दे आर एस्थेटिकली प्लीजिंग एंड दे आर गोइंग टू बी वेरी रैंडम प्रोडक्ट्स। ओके, मतलब कोई स्पेसिफिक कैटेगरी में टारगेट नहीं कर रही हूँ। आज मैं भी थोड़ी सी पिंट्रस्टी बन के बैठी हुई हूँ। सो या विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। ऑलराइट, स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से, विच इज अ टिश्यू होल्डर। हाउ क्यूट इज दिस? आई मीन, सो ये वाले जो टिश्यू बॉक्सेस होते हैं ना, मैंने उसमें से निकाल के इसमें डाल दिया। एंड वैसे तो ये रेडियो है, बट मुझे ना एसी लग रहा है। बट एनीवेज, दिस इज सच अ क्यूट प्रोडक्ट। ये प्लास्टिक का है एंड इट्स सच अ नाइस क्वालिटी। सो यहाँ पर इसे टिश्यूज आप ऐसे पुल कर सकते हो। ये मैंने ना अभी दो तीन दिन से तो रखा हुआ है अपने टीवी के जो नीचे कॉन्सोल टेबल है वहां पर। ये बहुत क्यूट लगता है। सो ये बेसिकली ओपन इट, इसमें आप टिश्यूज रखो अपने वो रेगुलर कार्डबोर्ड बॉक्स से निकाल के। वेरी नाइस क्वालिटी। आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड यू ऑल टू गेट दिस वन फॉर योरसेल्फ। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट पिंट्रस्टी फाइंड्स। सो आज मैंने एक पिंट्रस्टी आई लुक भी किया हुआ है। ग्राफिक लाइनर मैंने लगाया हुआ है यूजिंग कलरफुल आई लाइनर्स, बिकॉज आई हैव सीन सो मेनी ब्यूटिफुल कलरफुल ग्राफिक लाइनर इमेजेस ऑन पिंट्रेस्ट। इट्स लाइक अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर फ्रॉम अ यूजुअल ब्लैक लाइनर आई लुक। स्पेशली समर्स में आई फील कलर्ड लाइनर्स ना एक अच्छा सा वाइब्रेंट टच एड कर देते हैं हमारे मेकअप लुक्स में। और अपनी आज की आई लुक के लिए आई हैव यूज्ड Maybelline's न्यू टैटू लाइनर प्ले रेंज। इट हैज गॉट सो मेनी ब्यूटीफुल कलर्ड लाइनर्स। लव द पैकेजिंग। देयर आर 6 स्टनिंग शेड्स, जिसमें से 4 मेटालिक शेड्स हैं और 2 मैट शेड्स हैं। यू नो इनका कलर पे ऑफ इतना अच्छा है, आई मीन एक सिंगल स्ट्रोक में ना आई गेट द मैक्सिमम पिगमेंटेशन। सो यू हैव टू शेक द ट्यूब बिफोर अप्लाइंग एंड इसका जो एप्लीकेटर है इट इज सो प्रिसाइज। ये बहुत ही स्मूथली ग्लाइड हो जाता है। सो किसी भी तरह का आई लुक करना ना काफी ईजी हो जाता है। ये लाइनर्स एकदम स्मच प्रूफ है, वाटर प्रूफ है एंड स्टेज फॉर अप टू 48 आवर्स। आई एम इन लव with these fun liner shades. I think you should also try some bold and fun eye looks like me using the Maybelline's new tattoo liner play range. So aapko inke links mil jayenge description box mein. Make sure you try these out. Moving on, I have a very cute makeup brush cleaner. So it's in a heart shape. It's lilac lavender in color and it's just so cute. मतलब आप पास से देखो कि इस पर अलग अलग ऐसा pattern kind of दिया हुआ है। So आप अपने eye brushes, face brushes काफी अच्छे से इससे साफ कर सकते हो। मैं हमेशा से ना वो जो छोटा सा एक egg shape का नहीं आता है वो use करती थी, but वो बहुत ज्यादा छोटा है। And I like this even more because इसके पीछे ये suction cups लगे हुए हैं। So easily मैं इसको अपने wash basin में से चिपका देती हूँ एंड देन अपना मेकअप ब्रश लेके मैं इसको ऐसे स्वर्ल करके साफ करना स्टार्ट करती हूँ अपने मेकअप ब्रशेज। वेरी क्यूट एस्थेटिक एंड आई फील वेरी यूजफुल एट द सेम टाइम। आई डोंट नो आज की वीडियो में मैं कितनी बार क्यूट एस्थेटिक पिंट्रस्टी और यूजफुल बोलने वाली हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अप आई हैव दीज रियली प्रिटी मग्स। सो आई हैव दिस थिंग फॉर मग्स। मतलब मुझे बहुत ज्यादा ऐसे कोई क्यूट सा मग दिख जाए तो मैं ले आती हूँ। मतलब मेरी मम्मी को भी पता है कि मुझे ये मग्स वगैरह प्लेट्स एंड ऑल ये सब खरीदना ना मुझे काफी अच्छा लगता है। एंड आई जस्ट फाइंड दिस रियली पिंट्रस्टी। दिस वन हैज अ वेरी प्रिटी हार्ट प्रिंट ऑल ओवर एंड देन ऊपर से कुछ ऐसा सा है, अंदर भी एक हार्ट है। टोटली लव इट। अनदर वन इज लाइक सो समरी एंड सो वाइब्रेंट। इट हैज फ्लावर्स ऑल ओवर, डेजी फ्लावर्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसका ना ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है डोनट सा। अगेन वेरी गुड क्वालिटी, आई रियली लव दीज। सेरेमिक है ये वाले, डेफिनेटली चेक आउट दीज मग्स बिकॉज दे आर जस्ट सो क्यूट एन एस्थेटिक। ओके, आई शुड शट अप नाउ। नेक्स्ट अप आई हैव दिस रियली क्यूट छोटू सा वैनिटी मिरर। सो इसका ना मैंने इसलिए लिया बिकॉज इसका हाइट काफी अच्छा है। जो मेरे पास है उसका हाइट लिटरली इतना सा है। इसका लेवल एकदम सही है, एज इन द हाइट इज परफेक्ट एंड इट्स पिंक इन कलर यू गाइज। यहाँ पर इसे 2 बनी ईयर्स भी दिए हुए हैं जो कि ऑब्वियसली क्यूट सा एलिमेंट है। एंड देन यहाँ पर वी हैव दीज 2 स्टैंड्स काइंड ऑफ। मतलब मैंने फोटोज में देखा था दैट यू नो लोगों ने अपने यहाँ पर ज्वेलरी टांगी हुई थी, अपने ब्रेसलेट्स, नेकलेस वगैरह। एंड देन यहाँ पर वी हैव दिस ट्रिंकलेट ट्रे काइंड ऑफ अ थिंग, जहाँ पर काफी सारी चीजें आप अपने ना इयर रिंग्स रिंग्स वगैरह रख सकते हो। सो मेरे लिए ठीक है बिकॉज मुझे अपने वीडियोज के लिए चाहिए होता है व्हाइल आई एम डूइंग माई मेकअप। आई नीड अ मिरर ऑलवेज। जो मेरा ये वाला है ये काफी छोटू है, नीचे पड़ता है मुझे हाइट में। अनदर वेरी रैंडम yet a very useful product in my life. So आपने अभी देखा होगा मैं नीचे बैठ के शूट कर रही हूँ। सो मैं जब भी नीचे बैठती हूँ ना मैं पहले रग बिछाती हूँ, देन उसके ऊपर आई ऑलवेज कीप अ फ्लोर कुशन नो मैटर वॉट। मैं अगर नीचे बैठ के शूट कर रही हूँ आई ऑलवेज मेक श्योर कि मैं फ्लोर कुशन पे ही बैठूँ, मैं डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठती बिकॉज आई हैव टू सिट फॉर लॉन्ग आवर्स राइट। तो इसलिए मुझे कम्फर्ट चाहिए होता है ऑब्वियसली। सो इसलिए मैंने एक नया फ्लोर कुशन लिया है। जो अभी जिस फ्लोर कुशन पे मैं बैठी हूँ ये मैंने आई थिंक 2 या 3 साल पहले लिया था बंजारा मार्केट से। अगर आपको फ्लोर सीटिंग बनानी है अपने घर में तो फ्लोर कुशन बहुत काम की चीज होती है और आप अपने चेयर पे भी रख सकते हो।
इन केस योर चेयर इज नॉट कंफर्टेबल कीप अ फ्लोर कुशन एंड देन सिट। ये वाला मैंने लिया है इस बार, इट इज सच अ क्यूट प्रिंट। ये वाला राउंड है गाइज एंड इट इज सो फ्लफी, इट इज सो कंफर्टेबल। ऑब्वियसली अभी तक मैं इसी पे बैठ के शूट कर रही थी एंड नाउ बिकॉज आई हैव टू शो इट टू यू गाइज, तो मैंने अपना फ्लोर कुशन चेंज कर लिया। लव द ट्रॉपिकल प्रिंट, मुझे ऐसे समरी प्रिंट्स बहुत पसंद है। नेक्स्ट अमेज़न फाइंड इज सुपर डुपर कूल, इट इज सो ट्रेंडी राइट नाउ। सो आपने वो बड़े वाले स्टैनली व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, उसके टम्बलर्स देखे ना जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उसी का ड्यूप है गाइस अमेज़न पे एंड आई गॉट इट फॉर अराउंड आई थिंक 1500-1600, आई एम नॉट श्योर। ये वाला है फ्रॉम दिस ब्रांड कॉल्ड हाउस ऑफ क्वर्क एंड आई गॉट दिस इन अ वेरी प्रिटी पेस्टल पिंक कलर। इट लुक्स सो प्रिटी, एकदम डिट्टो कॉपी है भाई स्टैनले वाली की, स्टैनली व्हाटएवर, मुझे ब्रांड का नाम एग्जैक्टली पता ही नहीं है। सो दिस इज बेसिकली डबल इंसुलेटेड tumbler and this is how it looks like and it also comes with two straws, okay? So one we have this plastic ka straw of the same color and then we have a steel straw as well and also guys ye leak proof hai, matlab yahan par there's a hole chotu sa of course for the straw lekin ye agar aise rehta hai na to ye leak nahi karta hai which is so surprising, let me show you. Isse pehle I was using my normal stainless steel ka bottle एंड ये मैंने इसमें डाला पानी, इसका ये क्लोजर भी काफी सही है एंड देन व्हेन यू डू दिस इट डजंट लीक यू गाइस, सो या दैट्स ग्रेट। इस बहाने मैं पानी पी लूंगी बिकॉज मैं पानी बहुत कम पीती हूँ। सो ये 1200 ml का है गाइस, मोर देन 1 लीटर विच इज अमेजिंग। सो ना अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या फिर वर्कआउट करने जिम जाते हो या फिर कहीं भी जाते हो यार इधर उधर, तो ऐसे कैरी करके आप ले जा सकते हो बिकॉज इट हैज दिस हैंडल। आई थिंक समर के लिए दिस इज माई बेस्ट अमेजोन फाइंड सो फार बिकॉज आई लव इट, आई लव द कलर, इट इज एकदम मैट एंड गिव्स अ वेरी नाइस क्लासी लुक। अनदर रियली कूल अमेजोन फाइंड इज दिस मेकअप ब्रश होल्डर। सो इससे एक बहुत ही बड़ा वाला भी है मेरे पास, आई थिंक मैंने अपनी किसी तो वीडियो में दिखाया था वो, इट वॉज नॉट अमेजोन फाइंड्स का वीडियो, इट वॉज समथिंग एल्स ओनली, बट आई रिमेंबर कि मैंने इसका जो बड़ा वाला साइज है मेरे पास वो मैंने आपके साथ पहले शेयर किया हुआ है, तो मुझे एक छोटा साइज चाहिए था बिकॉज जो वो वाला बड़ा वाला है ना उसमें मैं अपने सारे फेस ब्रशेज रखती हूँ एंड उसके बीच में ना आई ब्रशेज और जो छोटे छोटे ब्रशेज होते हैं ना कहीं से खो से जाते हैं, मैं ध्यान नहीं दे पाती ज्यादा। सो इसलिए फॉर माई आई ब्रशेज और मेरे छोटे छोटे ब्रशेज के लिए मैंने एक अलग सा ही मेकअप ब्रश होल्डर लिया है एंड इट्स व्हाइट इन कलर, ऊपर ऐसा लिड है सो ऑब्वियसली ब्रशेस पे कोई डस्ट वगैरह नहीं जमेगा और ऐसे जब रखते हो इट एक्चुअली रोटेट्स विच इज रियली कूल। सो इसमें मैंने सारे अपने छोटे छोटे ब्रशेज रखे हुए हैं ताकि मुझे ढूंढने में ज्यादा टाइम ना लगे बिकॉज उसमें मुझे बहुत टाइम लगता था देखने में कि कहाँ है बिकॉज बड़े बड़े ब्रशेज के बीच में फंसे होते थे मेरे छोटे ब्रशेज। वेरी नाइस क्वालिटी आई मस्ट से एंड ये करने में मुझे बहुत मजा आता है। ज़ालिम नज़र हटा ले। And lastly, I have these really cute pearl accessories because I just love pearl accessories, earrings, necklace. As you can see, ये वाले मैं pearl earrings बहुत ज़्यादा पहनती हूँ। So काफी time पहले I actually got this pearl वाला claw clip. It looks very cute. See, ये actually set of 2 में आया था, अभी दूसरा वाला मुझे मिल नहीं रहा but I think I got 2 for 200 rupees which is amazing. अभी मैं I think 3-4 दिन पहले Mr. DIY गई थी, वहां पर मैंने exact same ऐसा देखा था and then I also have this Korean style earrings as well. So ये heart and pearl वाले हैं and this is how it looks. See, ये इतने dainty है. So on those days when you don't feel like wearing earrings and at the same time you want to wear them, you get my point, right? कि मतलब हल्का सा कुछ कान में डालने के लिए चाहिए तो आप ये वाले ट्राई कर सकते हो बिकॉज ये बहुत ज्यादा क्यूट है। आई जस्ट लव पर्ल एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो या दैट वाज माय लास्ट अमेज़न फाइंड, सम पर्ल एक्सेसरीज, दोस वर ऑल द अमेज़न फाइंड, सम क्यूट एंड पिंटरेस्टी अमेज़न फाइंड्स, यूजफुल भी है यार सारे प्रोडक्ट्स, यूजफुल ही मैंने आपके साथ शेयर करे। आई नो बहुत रैंडम थे बट एट द सेम टाइम काम की चीजें हैं। सो अगर आपको कुछ भी ट्राई करना है आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन यू नो व्हाट टू डू, प्लीज मेक श्योर गिव इट अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। लेट्स कनेक्ट ऑन इंस्टाग्राम, मेरा प्रोफाइल है शिवानी तनेजा ऑफिशियल और मैं आपसे मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ एंड अदर्स। बाय बाय।